एक बार फिर से आप सबको मैं विंडलेस रिवर वैली ले जा रही हूँ, तो चलिए। अब मैं घर से निकल चुकी हूँ रिवर वैली पहुंच चुकी हूं। ये है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी फुली इंटीग्रेटेड हाउसिंग टाउनशिप विंडलेस रिवर वैली। अगर आपका भी मेरे तरह कोई सपना है कि अपना एक घर हो और देहरादून में सर्च कर रहे हैं घर, तो आज आपके लिए एक गुड न्यूज लेकर आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल अर्चना झा चौधरी ब्लॉग। गाइज, आज मैं आप सबके लिए विंडलेस रिवर वैली का एक न्यू ब्लॉग लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों का सपना है कि देहरादून में अपना घर हो, यह वीडियो स्पेशल आपके लिए है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो देहरादून घंटाघर से केवल 20 मिनट की दूरी पर यह सोसाइटी स्थित है। और रिस्पिना पुल से जब आप ऋषिकेश की तरफ आएंगे तो रिस्पिना पुल से 10 मिनट की दूरी पर इसकी लोकेशन है। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट सुनील पाठक जी से मिलवाती हूँ और उन्हीं के मुँह जवानी सुनेंगे इस सोसाइटी के बारे में कि इस सोसाइटी में और क्या क्या फैसिलिटीज़ है और इसकी लोकेशन क्या है। मतलब सब कुछ फुल इन्फॉर्मेशन हमें सुनील पाठक जी देंगे। सर, जब भी किसी का कॉल आती है तो सबसे पहले लोग इसके प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि प्राइस क्या है, क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? प्राइस तो ऑलरेडी, जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि प्राइस तो ऑलरेडी हमारी जो है वेबसाइट पे भी है, आप लोगों को भी हमने प्राइस लिस्ट शेयर किया है। अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं वापस आपको दे देता हूँ। तो प्राइस तो किसी को भी कभी भी शेयर किया जा सकता है, डिपेंडिंग देयर नीड कि उनकी ज़रूरत कितनी है, क्योंकि हमारे पास टोटल 28 से 30 टाइप की इन्वेंट्री है। जो साइज़ जिसको चाहिए उस साइज़ के हिसाब से वो अपनी प्राइसिंग ले सकता है, तो उसको शेयर किया जा सकता है। प्राइस हमारे ऑनलाइन साइट पे भी है, देख सकता है बंदा। सर, लोग मेंटेनेंस चार्ज के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो क्या इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मेंटेनेंस चार्जेज किसी भी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए जो चार्जेज होते हैं वो मेंटेनेंस चार्जेज है बेसिकली, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फ्लैट। जैसे पहले हमने गंगा भागीरथी बनाया था, उसका 2 रुपये 10 पैसे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंटेनेंस ले रहे हैं। अलकनंदा अभी हम हैंड ओवर कर रहे हैं, वो 2 रुपये 31 पैसे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंटेनेंस ले रहे हैं। तो मेंटेनेंस चार्जेस एरिया वाइज जो जो भी एरिया होगा उसमें जो है डिपेंडिंग ऑन 2 रुपये 31 पैसे पर स्क्वायर फीट से लगेगा। सर, 1 BHK का स्टार्टिंग प्राइस क्या है? उसमें भी अलग अलग साइजेज है, 650-700 स्क्वायर फीट के। तो 650 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसकी प्राइसिंग है 41,46,000 रुपये प्लस उस पर GST आएगा। बट 1 BHK हम करीब करीब सेमी फर्निश दे रहे हैं, उसमें सब कुछ ऑप्शंस भी दे रहे हैं। उसमें मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब बना के दे रहे हैं, लाइट फेंस करके दे रहे हैं, इवन दो उनको 3-सीटर सोफा भी दे रहे हैं, बेड भी दे रहे हैं। तो एक तरह से फुल्ली फर्निश्ड है। तो अब उसमें 2 साइजेज हैं, 650 स्क्वायर फीट 41,50,000 के आसपास आएगा, और दूसरी यूनिट है 44,50,000 के आसपास आएगा, 700 स्क्वायर फीट के एरिया। 2 BHK प्राइस के बारे में कुछ बात कर सकते हैं? हाँ, 2 BHK अलग अलग साइजेज है। अगेन हमारे पास काफी वेरिएंट है साइजेज में। तो 2 BHK हमारे देखिए शुरू होते हैं क्या 51 लाख से, 51 से आपका करीब करीब 1 CR तक हमारे पास 2 BHK है। उसमें भी अलग अलग साइजेज है जी। उसमें आपको 828 स्क्वायर फीट है, 850 स्क्वायर फीट है, 1,000 स्क्वायर फीट है, 1,090 है, 1,160 है, और अभी जो लेटेस्ट लॉन्च किया हमने कावेरी, उसमें 1,350 स्क्वायर फीट तक के एरिया है। तो जिसकी जैसी साइजेज है उसके हिसाब से उसकी प्राइस है। तो आप मान के चलो ये 2 BHK का ब्रैकेट है 51 लाख से लेके 1 करोड़ तक के है। ओके, उसमें डिपेंडिंग साइज के हिसाब से ले सकते हैं उसको। ओके, 3 BHK का क्या प्राइस है? 3 BHK में भी सेम है, अलग अलग वेरिएंट है। तो 3 BHK स्टार्टिंग हमारे पास करीब जो है 74.5, मतलब 1200 स्क्वायर फीट सबसे छोटी एरिया है, वो 74.5 स्क्वायर फीट मतलब 74.5 लाख के इन्वेंट्री है, और उससे लेके हमारे पास 1.86 CR तक की जो है इन्वेंट्री है, जिसमें हमारे पास 1200 से लेके 2500 स्क्वायर फीट तक के 3 बेडरूम्स है। सर, कावेरी कब तक बन जाएगी?
कावेरी का जो हमारा टेंटेटिव डेट है 2026 हमने टारगेट रखा है। 2026 नवंबर दिसंबर दिवाली के समय हम ऑलमोस्ट हमने उसका काम स्टार्ट कर दिया है। उसका फाउंडेशन भी बन गया जो टावर नंबर 5 और 6 है उसका फाउंडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। तो 2026 के दिवाली तक उसको हम हैंडओवर करने का प्रयास करेंगे उसको। ओके, एटलीस्ट 2 साल तो लगेगा ही उसमें। कावेरी में किस किस साइज की फ्लैट अवेलेबल है? कावेरी बेसिकली हम प्रीमियम बना रहे हैं और लग्जरी फ्लैट बना रहे हैं, तो इसमें जो मिनिमम एरिया होगी वो 1350 स्क्वायर फीट की होगी और मैक्सिमम तो 8100 स्क्वायर फीट तक स्काई विला बना रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएंट है, मतलब 1350 1500 2 BHK का हो गया, 1850 2100 और 2500 3 BHK हो गए, 3100 से लेकर 3600 के बीच में आपका 4 BHK हो गया, इसके बाद स्काई विला। तो उसमें काफ़ी वेरियंट है और काफ़ी प्रीमियम लेके आ रहे हैं सेटअप, वो सेमी फर्निश टाइप का सेटअप उसमें दे रहे हैं। तो सर कावेरी के स्टार्टिंग प्राइस के बारे में बात करें? कावेरी की स्टार्टिंग प्राइस है करीब 99 लाख से शुरू है 2 BHK 1350 स्क्वायर फीट, और उसके बाद जो हमारी प्राइसिंग अलग अलग रेंज में है 99, उसके बाद 1500 स्क्वायर फीट 1.10 CR है, उसके बाद आपका जो है 1850 स्क्वायर फीट 3 BHK शुरू होता है 1.36 से, अगेन हमारे पास 21 स्क्वायर फीट है 1.56 CR है, ऐसे ऐसे साइजेस के हिसाब से प्राइजेज आ रही हैं। अगर स्क्वायर फीट के हिसाब से जाएंगे प्राइजेज में तो उसमें 7400 पर स्क्वायर फीट की एरिया आती है। 7400 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है प्राइस रेंज वेरिएट करेगा जी। सर यहाँ पर मंदिर भी एक टॉपिक बनी हुई है। नहीं, मंदिर के लिए हमने पीछे भी आपके ब्लॉग में हमने बताया था, उसका अप्रूवल आ चुका है, आई थिंक हमने RWO में भी सर्कुलेट कर दिया है। तो अगेन जून के फर्स्ट वीक से उसका काम जो है स्टार्ट होगा। मंदिर का जगह भी एलोकेट हो गया है और उसकी ड्राइंग वगैरह मैप हमने उसके लिए अप्रूवल के लिए दिया था, आई थिंक वो अप्रूव होके आ गया है जो कि अभी सर्कुलेशन में आ गया। ऑन पेपर अभी नहीं हमारे पास आया कि हम उसको प्लस करें, बट लोगों के नॉलेज में आ गया कि अगले जून से उसको स्टार्ट करेंगे। मंदिर की जगह हमने लोकेट कर रखी है। ओके ओके, तो सर सोसाइटी में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या चल रहा है अभी? लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि कंस्ट्रक्शन जो कावेरी का है काफ़ी फास्ट हो चुका है, मतलब जिसमें हमने 5-6 नंबर टावर ऑलमोस्ट उसका फाउंडेशन बना दिया है। कावेरी 1-2 ऑलमोस्ट वर्किंग में है, वो भी चल रहा है जी। अगले महीने से हम कुछ नई चीज़ें करने जा रहे हैं, जैसे मंदिर का है प्रोविजनिंग, आपने पूछा क्वेश्चन, मंदिर भी बनाने का प्लान कर रहे हैं जी। और हमारे पास जो है स्कूल हॉस्पिटल और सेटअप भी, हम जिमखाना क्लब का भी प्लान चल रहा है कि अगले 1-2 महीने में जिमखाना क्लब भी स्टार्ट करेंगे। तो ये सब लेटेस्ट चीज़ें जो आने वाले समय, एक हेल्थ केयर सेंटर भी हमने अभी जस्ट उसको स्टार्टअप में दिया है, वो भी हो सकता है अगले 2-3 वीक में ऑपरेशनल हो जाए। तो नई नई चीज़ें इसमें आ रही हैं, लोगों को एमिनिटीज फैसिलिटीज जो है आ रही हैं, तो उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं कि कैसे लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, कैसे लोग इन्जॉय करें। अब जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी क्राउड आ रहे हैं, तो लोग स्विमिंग पूल को इन्जॉय कर रहे हैं, शाम को गेम्स इन्जॉय कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है लोगों को एक अलग लाइफ स्टाइल दे रहे हैं, एक अलग लाइफ स्टाइल में लेके जा रही है जो और जगह मिसिंग होती है। लोग पिकनिक के तौर पर सोसाइटी को ले रहे हैं कि दिल्ली से आ रहे हैं लोग, यहाँ पिकनिक मना रहे हैं वीकेंड पे, फिर वापस जा रहे हैं, अदर देन कहीं जाएंगे जिसका उनको पे करना पड़ेगा, यहाँ विदाउट पे किसी गेस्ट के आ रहे हैं, किसी रिलेटिव्स के आ रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ लाइक एनीथिंग, कुछ भी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं उसको। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, कनेक्टेड लोकेशन है, कहीं से भी आना है कनेक्टेड है, चाहे वो एयरपोर्ट से आए, चाहे रेलवे स्टेशन से आए, चाहे जो है हाईवे से आए, आपसे कनेक्टेड है, ये बहुत बड़ी चीज है लोगों। थैंक यू सर, पब्लिक से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गाइस अगर आप यहाँ विंडलेस रिवर वैली में फ्लैट लेना चाहते हैं, अपने लिए घर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारी ये सोसाइटी पसंद आए, अच्छा लगे और यहाँ से आप बातचीत करना चाहें, तो इसके लिए मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट सुनील पाठक जी का नंबर भी दे रही हूँ, तो आप हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कुछ भी बातचीत करना हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में भी शो हो रही है और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ। इससे पहले भी मैंने कई सारे ब्लॉग अपलोड की हुई है, तो इन सभी वीडियोस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप इन लिंक पर क्लिक करके उन सभी वीडियोस तक पहुँच सकते हैं और सोसाइटी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी पा सकते हैं।
गाइज, इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक ज़रूर पहुँचाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।